शांति। आज 6 अक्टूबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझे बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया, सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत ही तूने रात गवाई सोए के, ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं, बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना यह तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं, उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमचक्र रहता है, यह एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाय जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाय जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना, खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं, बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है, बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उसको तो वह कागविष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही दुख हरता सुख करता। हे मात पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं, सवेरे उठते नहीं हैं। जिन सोया तिन खोया, तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को साजन को याद नहीं करते हैं, आधा कल्प से साजन बिछुड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती हैं, उनको फिर बाप भी कहा जाता है,
अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं, हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रेस्पॉन्सिबल है, जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रेस्पॉन्सिबल है। सन शोज फादर, यह ब्रह्मातन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं। याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ, और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत किए हुए हैं, धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प ही ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प ही रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती हैं। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो, तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान में लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा। हमने इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं फिर तोबा तोबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया फट से सजाए शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है, तो अब बाप कहते हैं, तुमको तो तोबा तोबा नहीं करना है, तुम पाप मत करो, जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं, कहते हैं, मुझे बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं, सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आपे ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती नहीं। बाकी चांडाल दास दासियां आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं,
ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत शिष्टाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताए ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं, यह जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं, जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्होंने आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है? भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे, उसको सुख धाम हेविन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नर्क बना है, यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाए या पानी डाले उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गए। यह भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था, भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उनके लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़े ही समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उनके भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते ही प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि उनको शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है, प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना, शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो, हमको तो देखो तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है
उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। आज का वरदान है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। विश्लेषण है, आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय वा सरकमटांस नहीं होगा तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति प्रेम सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।